जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जैसे ही मौलाना साहब खड़े होते हैं उसके सफ़े भी तैयार हो जाते हैं। मौलाना साहब कहते हैं इजाज़त है, तो पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती। मौलाना साहब फिर से कहते हैं इजाज़त है, तो फिर भी पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती। किसी घर के मालिक की आवाज़ आनी चाहिए थी जो कि इजाज़त देते हैं, जैसे कि मेरी डेथ हुई थी बेटे की आवाज़ आनी चाहिए थी, लेकिन उनके बेटे वहाँ मौजूद थे। यहाँ पे अभी जो उनका बेटा ही दिखाई नहीं दे रहा था, देखते ही देखते मौलाना साहब कहते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, कभी फिर बेटे उनके बाद में आ जाए। लेकिन मौलाना साहब बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं, उनके बेटा नहीं आता। मौलाना साहब कहते हैं अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, फिर उनके घर के कोई और रिश्तेदार होते हैं, उनके रिलेटिव्स, वो इजाज़त दे देते हैं और फिर जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जाती है। नमाज के बाद फिर सुपुर्द खाक हो जाता है। इसके बाद पुलिस के पास कोई व्यक्ति जाता है और जाकर बताता है जो फलाह व्यक्ति ख़त्म हुआ है, उसका बेटा अपने बाप के ही जनाजे पे नहीं आया। आखिरकार कुछ बात तो है इस पे, आप इस मामले की जांच पड़ताल कीजिए। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कराती है तो पता चलता है एक या दो नहीं पूरे 13 लोगों के कत्ल हुआ है, और उन 13 कत्ल की गूंज ना केवल पूरे मुल्क में ही बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई। इस घटना का जो राज निकल के सामने आता है, लोगों को यकीन नहीं आता रहा कि कत्ल की वजह आखिरकार ये हो सकती है। दरअसल एक लड़की जो अपने ही सगे चचेरे भाई से प्यार कर बैठती है, उसी से शादी करने की जिद पर अड़ जाती है और देखते ही देखते एक दो नहीं पूरे 13 कत्ल कर देती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम तूर मिर्ज़ा, आप लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो अब मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ये तो एक छोटे से हाईलाइट्स थे जो मैंने आपको मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत का ही एक ज़िला लगता है खैरपुर। खैरपुर का जो थाना है बराली चटोली, और बराली चटोली का एक गाँव लगता है हैबत खान ब्रोही। दरअसल बात कर रही हूँ मैं 17 अगस्त 2024। अब वो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, और लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, ताऊ जी के घर, आप उनके घर पर खाना खाने बिल्कुल मत जाना और किसी को भी यहाँ से मत भेजना। ये कहकर वो घर से निकल जाता है। निकलने के बाद जो उनके अब्बू होते हैं जिनका नाम होता है अजगर, जब खाने का वक्त होता है तो वो अपने बेटे को ले कर अपनी बीवी को ले कर कहते हैं कि चलो भाई क्या खाना खाने चलते हैं। उनका जो मतलब छोटे वाला बेटा होता है वो कहता है कि भाई ने मना करके रहते हैं, हम खाना खाने क्यों जा रहे हैं, भाई ने मना करा था तो रहने दीजिए अब्बू, हम नहीं जाते। तो उनके अब्बू कहते हैं, वो तो ऐसी ही टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, कभी सीधी बात तो उससे होती नहीं है, अगर हमने उसका कहना माना तो हमारी आधे गाँव से लड़ाई हो जाएगी। ऐसा कहकर वो अपने बीवी को और अपने बेटे को लेकर अपने भाई के यहाँ पर खाना खाने चले जाते हैं। अपने ही भाई के घर पे से खाना खा कर आते हैं, स्वादिष्ट खाना था। खाना खाने के बाद ही वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच रास्ते में चीख पुकार मच जाती है। आस पड़ोस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये रोने की आवाज़ें चीखने की आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। दरअसल दो घर होते हैं, एक घर होता है गुलबेग का जिनके घर से वो खाना खा कर आए थे, और एक घर होता है अजगर का, ये दोनों भाई होते हैं। अजगर जो अभी गुलबेग के घर से खाना खाकर आता है, देखते ही देखते हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि किसी को उल्टी हो रही थी तो कोई बेवजह ही रो रहा था। गांव के लोगों को तुरंत ही तत्काल प्रभाव से इन सब को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद खैरपुर के एक सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करा जाता है। उन सबको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लग रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था क्योंकि वो जहरीला खाना खा कर आए थे। वहाँ पर डॉक्टर उनका उपचार करना शुरू कर देते हैं। एक ही खानदान के एक ही परिवार के 13 लोग थे जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे ही स्थिति और नाजुक होने लगती है। कुल मिलाकर रात जैसे ही उसी बीच में खबर आती है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक अजगर की मौत हो चुकी थी और एक गुलबेग के छोटे बेटे की जिसका नाम दिलदार होता है। जैसे ही उन दोनों की मौत हो जाती है ये खबर गांव में फैल जाती है। गांव के लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी तक सब ठीक था और अचानक से
13 लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और 2 लोग जिनकी मौत हो गई। तमाम तरीके की बातें हो रही थी और दिन निकलते ही ये 18 अगस्त 2024 का वाक्य था। अभी 13 सदस्यों में से 7 सदस्यों की मौत हो चुकी थी। अब जैसे जैसे मौत की संख्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे सोशल मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, हर जगह ये खबर फैलने लगती है। शुरू हो जाती है ये खबर फैलनी कि सिंध प्रांत का ज़िला खैरपुर एक गांव लगता है हैबत खान ब्रोही, वहाँ पर इस तरह का कुछ खाना खाया और खाने के बाद तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। बिगड़ने के बाद आखिरकार उसमें से 7 लोगों की मौत हो जाती है। डॉक्टर इलाज करने पर मजबूर थे, कोशिश कर रहे थे बचाने की, डॉक्टर की कोशिश भी नाकाम हो रही थी। जैसे जैसे ही वक्त बढ़ रहा था, वैसे वैसे मरने की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। और देखते ही देखते अगली तारीख आते आते 13 सदस्यों की भी मौत हो जाती। ये वही 13 सदस्य थे जिनको उन सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अब उन 13 के 13 सदस्यों ने दम तोड़ दिया था। अब वो 13 के 13 सदस्य मर जाते हैं। अब उन्हीं परिवार की एक लड़की बचती है जिसका नाम होता है शाइस्ता, होते हैं गुलबेग, दूसरी उनकी बीवी होती है गुलजादी। उनके ही साथ उनके एक बेटा होता है मंजूर, उनका दूसरा बेटा दीवर, तीसरा बेटा है दिलदार। उनकी एक बेटी, उनकी बेटियां भी होती हैं खातून, समीन, हजियानी, मरियम, एक होते हैं गुलबेग के। अब होते हैं असगर, उनका बेटा मोहम्मद बख्श और शहजाद। 13 सदस्य होते हैं और 13 सदस्य मर जाते हैं। शमीउल हक होते हैं वहाँ खैरपुर जिले के SSP, वो इस मामले को लेकर बड़े थे, सतर्क थे। तभी वो कहते हैं कि भाई हम इसमें से जो मरे हैं, हम उन लोगों का पोस्टमार्टम करा लिया जाए ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार मरने की वजह क्या है। गांव वालों को जैसे ही ये बात पता चलती है कि इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, इनकी मिट्टी ख़राब की जाएगी तो इनके शरीर को फाड़ दिया जाएगा, इनके शरीर को देखा जाएगा, तो क्या फ़ायदा इन सबको ऐसे, मतलब वो मत इनका पोस्टमार्टम करो, जो अल्लाह को मंजूर था वो तो हो गया। सब गांव वाले यही कहने लगते हैं। तो गांव की पुलिस कहती है कि कम से कम 2 लाशों का तो पोस्टमार्टम करने दो, ये तो देखने दो कि कुछ जहरीला खाने की वजह से इन सबकी मौत हो गई। जिन लोगों को लाशों का पोस्टमार्टम हो जाता है वो सुपुर्दे खाक कर दी जाती है। फिर मुखबिर जो होते हैं उनकी तरफ से सूचना मिलती है कि इस परिवार की एक बेटी है जिसका नाम शाइस्ता है, शाइस्ता बची है। फीमेल पुलिस ऑफिसर को भेजा जाता है और SHO को भी, वो वहाँ जा पहुँचते हैं और शाइस्ता बताती है कि मैंने ही आटा गूंदा था, मैंने ही पकाया था, मैंने भी खाया था, लेकिन उन सबकी तबीयत खराब हो गई पता नहीं कैसे। पुलिस सोचती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। पुलिस ने जब रिपोर्ट्स, वो सुखुर एक जगह है जहाँ पुलिस ने रिपोर्ट्स भेजी, वहाँ पर उसकी एक प्रयोगशाला है। जब 10-15 दिन बीत जाते हैं तो वहाँ से सामने जब वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं तो वहाँ पर ये पता चलता है कि कोई ऐसा केमिकल है जिसको खेती में यूज़ किया जाता है, उस केमिकल का यूज़ खाने में किया जाता है, जिससे 13 के 13 सदस्यों की मौत हो जाती है। पुलिस का मुखबिर आता है और कहता है कि सर, जिस दिन असगर का सुपुर्दे खाक किया था तो उनके जनाजे के लिए जब मौलाना साहब इजाज़त मांगते हैं तो उनका बेटा अमीर बख्श वहाँ होना चाहिए था मौके पर, लेकिन वो आता नहीं है। उसका इंतज़ार भी करा जाता है लेकिन वो जब भी नहीं आता। फिर इजाज़त, मौलाना साहब जब इजाज़त मांगते हैं तो उनकी कोई और रिश्तेदार इजाज़त दे देते हैं। ये बात SSP को पता चलती है तो SSP को लगता है कि इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए। यानी शमीउल हक जो वहाँ के SSP थे, उनको लगता है कि कोर्ट से इजाज़त मांगनी चाहिए। कोर्ट से इजाज़त मांगते हैं, कोर्ट उन्हें इजाज़त भी दे देती है 4 दिन की, कि तुम्हें 4 दिन में पूछताछ करनी है। शाइस्ता से भी 4 दिन की इजाज़त उन्हें मिल जाती है अमीर बख्श और शाइस्ता से पूछताछ की, लेकिन कोर्ट उनसे ये कहता है कि 3rd degree यूज़ मत करिएगा, मतलब ज़्यादा सख्ती मत करिएगा उन पर, आराम से बात करिएगा, क्योंकि अभी अभी उनके घर में 13 सदस्यों की मौत हुई है। और पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस इन दोनों से अलग अलग क्वेश्चंस करती है, तो इन दोनों के आंसर जो होते हैं, मतलब जो जवाब ही दोनों देते हैं वो भी अलग अलग ही देते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं तो जवाब भी कोई सेम नहीं देते, अलग बिल्कुल। फिर पुलिस ये देखती है कि अमीर बख्श
नहीं कर रहा इतना जितना शाइस्ता अपने जवाब देने में घबरा रही थी। पीछे से आवाज़ आ रही है, उसके जवाब से सॉरी कहती हूँ गाइस। और फिर पुलिस शाइस्ता से सख्ती करती है, और फिर जब वो खुलासा करती है उन सभी को बड़ी हैरानी होती है सुनकर। ये लड़की अपने ही भाई यानी कि अपने ही चाचा के बेटे से प्यार करती है। इस बात का जब उसके माँ बाप को पता चलता है तो उसके माँ बाप ने कहा कि शादी हमारी मर्ज़ी से ही होगी, तुम्हारी मर्ज़ी से हम नहीं होने देंगे। जो लड़की होती है शाइस्ता वो अपनी ज़िद पर अड़ जाती है, कहती है शादी तो मैं उसी से करूँगी, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूँगी। इसी बात को लेकर घर में लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। हालाँकि वो जो उसका भाई होता है अमीर बख्श, वो कहता है कि हम कहीं पर भाग सकते हैं, आराम से ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन शाइस्ता कहती है हम क्यों ऐसे जेल वाली ज़िंदगी बिताएं, हम तो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, आज़ादी से रहेंगे। इन्हें कोई दिक्कत आएगी तो इन्हीं को आएगी, हमें नहीं आनी चाहिए, वो ये कहती है। वो कहती है कि कुछ ऐसा इंतज़ाम करो, जहरीले पदार्थ का कुछ ऐसा इंतज़ाम करो जो मैं इन सब के खाने में मिला दूँ और इन सबको मज़ा चखा दूँ थोड़ा सा। फिर अमीर बख्श होता है वो अपने पास कुछ पैसे कलेक्ट करने के बाद एक ऐसे जहरीले पदार्थ का इंतज़ाम करता है और शाइस्ता को लाकर दे देता है। और वो भी पहले से प्लान कर लेती है कि उसे कब ये खाने में मिलाना है, कब खिलाना है, यानी 17 अगस्त 2024। और जिस दिन वो सब शाइस्ता के घर खाना खाने जाते हैं, जिस दिन आमिर बख्श जो होता है वो अपने माँ बाप से मना करता है कि खाना खाने बच जाना, वो जब भी चले जाते हैं, ये वही दिन था जिस दिन शाइस्ता ने ये सब कुछ खाने में मिलाया था। फिर वो सब वहाँ पे चले जाते हैं। इनका जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी साल हो जाते हैं, और उस लड़की ने अपने 8 भाई बहनों को, अपने माँ बाप को मारा, चाचा चाची को और चचेरे भाई को भी मार दिया। 6 अक्टूबर 2024 को शाइस्ता को अरेस्ट करा जाता है, और उनके साथ जो मिले हुए थे कुछ लोग उनको भी अरेस्ट करा जाता है ताकि ये उस जहरीले पदार्थ का कोई मिसयूज ना कर सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो, डोंट फॉरगेट टू शेयर। बाय।